तो आप देख रहे हैं मिट का मसाला, जिसमें कि लगातार हम देख रहे हैं कि इन शेयरों के बारे में चर्चा होती है, जिसमें हम छोटे मजलों शेयर सामान्य तौर पर इन शेयरों की चर्चा थोड़ी कम होती है, लेकिन कह सकते हैं कि इस बाजार में इन छोटे मजलों शेयरों में ही सबसे ज़्यादा तेजी का रुझान बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है, या कह सकते हैं कि इस साल अगर किसी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको फटाफट कुछ स्टॉक्स बताता हूँ, उससे पहले निफ्टी के चार्ट को देखिए। आज निफ्टी का जो 20,936 का है, 20,769 का लो है, कह सकते हैं कि आज के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज कोशिश किया 21,000 के ऊपर जाने के, लेकिन नहीं जा पाया, 20,950 के लेवल को ही नहीं पार किया। अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, यहाँ 50-50 का मामला है। यहाँ पर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी आपको कम दिख रही होगी। 47,201 का हाई था, अब ये 47,000 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। याद रखिए निफ्टी बैंक की आज वीकली एक्सपायरी है। 6 शेयर 12 शेयरों का इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, उसमें 6 में खरीदारी है, 6 में गिरावट है। अगर निफ्टी 50 की बात किया, 50 शेयरों का इंडेक्स है, उसमें 34 ऐसे शेयर थे जहां कमजोरी थी, 15 शेयरों में खरीदारी थी। यानी कहीं ना कहीं निफ्टी के मुकाबले आज के ट्रेड में देखेंगे बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब दो और इंडेक्स देखिए, वो सुकून दे रहा है आज के ट्रेड में, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहां कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, एटलीस्ट गिरावट नहीं है, संभलने की कोशिश करें। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ थोड़ी खरीदारी है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है, 14,609 का हाई है और हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये एक सुकून देने वाली बात है। तो ऐसे में कई सारे शेयर होंगे जिस पे आज के ट्रेड में आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, और मैं इन तमाम शेयरों के बारे में आपको फटाफट बताता हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस स्टॉक्स के साथ, पीटीसी इंडिया का चार्ट देखिए, आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तर पर 11% की तेजी देखने को मिल रही है, अभी चर्चा करेंगे शेयर पे। इसके अलावा आप देखिए नजारा टेक, यहाँ शानदार खरीदारी, ये शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया बाजार दिन के निचले स्तर पे, और मैं आप जो स्टॉक्स बता रहा हूँ उस पर नज़र बना के रखिए, पेन पेपर लेकर नोट कीजिए, तमाम वो शेयर होंगे जो दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहे होंगे। HBL पावर देखिए, यहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में, ये भी मजबूती देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास करीब 5% की तेजी। इसके अलावा देखिए स्ट्राइड्स फार्मा और जैक कॉर्प, इन दोनों शेयरों में एक फार्मा कंपनी, कह सकते हैं रियल एस्टेट कहीं ना कहीं ट्रिगर है जैकॉर्प में, वहाँ भी हम खरीदारी देखने को मिल रही है, ये शेयर भी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, ये कह सकते हैं ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है। इसके अलावा देखिए गोदरेज एग्रोवेट, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले, TFC में देखिए आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिले। इसके अलावा एक और शेयर देखिए वनरेला हॉलीडेज, यहाँ भी आज के ट्रेड में आप देखेंगे कि मजबूती देखने, TFCI देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, वनरेला हॉलीडेज दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, ये तमाम शेयर ऐसे हैं जहाँ मजबूती देखने को मिली है। अब ऑटो इंश्योरेंस में देखिए शांति गियर्स, वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन कुछ स्टॉक्स आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ दबाव देखने को मिला, बैंक ऑफ इंडिया का शेयर देखिए आज वहाँ काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा हेवेल्स, NMDC जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिल रही है। निपॉन लाइफ देखिए हेवेल्स दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। NMDC में देखिए मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली, और लास्ट शेयर देखिए अरविंद लिमिटेड, यहाँ भी आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, तो कह सकते हैं कमोबेश ये तमाम अरविंद में तेजी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि बाजार का मूड चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसे शेयर आपके लिए लेके आता हूँ में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के मौके देखते। कल भी हफ्टाउन जैसे मैंने कई स्टॉक्स पर चर्चा की थी, आज में मजबूती देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगले 3 घंटे का क्या ट्रेड होना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार, जिस तरीके से हम बाजार का मूड देख रहे हैं, कल तो जहां तक मुझे याद है कल आप क्लोजिंग शो में थे और ये चर्चा STBT की बात हो रही थी, सेल करने की बात हो रही थी निफ्टी में, तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि निफ्टी में आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली। यहां कोई लेवल जहां खरीदारी करनी चाहिए आपको लग रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं 20,700-20,800 के आसपास, या आपको लगता है कि नहीं आज इंतजार करना चाहिए आज और कल? नमस्ते मनीष जी। मनीष जी सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बेसिकली रुचित मुझे जन्मदिन की बधाई देना चाह रहे थे, अभी कनेक्ट होंगे तो फिर से उनसे बधाई लेंगे। हाँ रुचित बताइए। चलिए तो फटाफट कुछ और स्टॉक्स देखते हैं आज के ट्रेड में जहां मजबूती या गिरावट देखने को मिले, खासतौर पे आज के हिसाब से आप देख सकते हैं। आज स्टॉक्स देखिए कुछ जिसमें इंटरेस्टिंग ट्रेड देखने को मिल रहा है,
हीरो मोटो का आपको चार्ट दिखाइए, कल के ट्रेड में हमने देखा था ऑटो स्टॉक्स में इसमें तेजी थी, इसके अलावा ऑटो में एक और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती दिखा रहा है, दिन के ऊपर स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मोटर देखिए वहां खरीदारी देखने को मिल रही है, टाटा मोटर्स देखिए वहां थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, तो ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। अब कुछ और आपको सेक्टर वाइज स्टॉक्स दिखाते हैं जहां आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। हैवी वेट्स में अगर बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज एक शेयर है फार्मा में, खासतौर पर फार्मा में कहीं ना कहीं जब बाजार में गिरावट आती है फार्मा स्टॉक्स बाजार को संभालने की कोशिश करते हैं, और वही ट्रेंड आज हम देख रहे हैं डॉक्टर रेजी और सिप्ला में जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। अब आज बाजार के मूड को आप देख रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बाजार का मूड एकाएक खराब क्यों हो गया, आप स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में बाजार के मूड को पूरी तरह से बिगाड़ा है, या कह सकते हैं कि आज के ट्रेड में बाजार को नीचे की तरफ लगातार धकेल रहा है। आईटी स्टॉक्स देखिए, आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, टीसीएस हैवी वेट दिन के निचले स्तर के आसपास, इंफोसिस हैवी वेट दिन के निचले स्तर के आसपास, एससीएलटेक हैवी वेट दिन के निचले स्तर के आसपास, टेक महिंद्रा हैवी वेट दिन के निचले स्तर के आसपास। कह सकते हैं कि निफ्टी 50 के जो है ना टॉप तीन जो लूजर स्टॉक्स हैं वो आईटी स्टॉक्स हैं, इंफोसिस TCS और टेक महिंद्रा। इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे ज़्यादा दबाव देखने को मिला, क्योंकि पिछले दिनों जो बाजार में बड़ी रैली आई, निफ्टी ने जो रिकॉर्ड ऊंचाई बना उसके पीछे आईटी स्टॉक्स की भूमिका बेहद अहम थी। रुचित हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे? तो मनीष जी, आज जो मार्केट में जो दबाव हम देख रहे हैं हाई लेवल से, वो मोर बिकॉज जो आईटी में हमने प्रेशर देखा है आज आईटी के कारण है, और इंडेक्स में भी मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट थे जिसकी कूल ऑफ हमने कल के सेशन से ही शुरुआत देख ली थी। सो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स ये करेक्टिव फेज है, जो पिछले पूरे अपमूव हमने देखा है 2200 पॉइंट का, उसको रिट्रेस करेगा, और इसी के कारण नियर टर्म में मार्केट ऐसे ही इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ा सा कूल ऑफ रह सकता है। पर हाँ, अगर आप मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक ऐसे कोई बड़ी मंदी के साइंस नहीं है कि मार्केट्स में सिग्निफिकेंट करेक्शन हो गए। इवन आप डेरिवेटिव्स के डेटा देखेंगे तो FIIs का लगातार लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। रिसेंटली ये सीरीज की शुरुआत लगभग सिर्फ 36% लॉन्ग पोजीशंस के साथ में हुई थी, और अब उनकी 60% पोजीशंस अब उनकी लॉन्ग साइड है। तो डेटा इतना खराब नहीं है, लेकिन हम क्योंकि ओवरबॉट थे तो वो कूल ऑफ होने के लिए हम रिट्रेस हो रहे, तो शायद ये शॉर्ट टर्म में जो रिट्रेसमेंट्स का मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ऐसे फेज में क्या होगा कि आपको कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जो आपको करेक्शन देते हुए नजर आएंगे, जैसे हम आईटी में देख रहे तो उनके कारण हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखेंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में ऐसी कोई सेलिंग नहीं दिखेगी। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, आज के लिए 20,750 से 700 की रेंज में सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, और ऊपर 20,900-850 ये एक हर्डल बन गया है। सो यहाँ पे हम कुछ सिग्निफिकेंट इंडेक्स में तेजी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आई थिंक बेटर स्ट्रेटेजीज बन पाएगी। और पे अगर आप कह रहे हैं कि शेयरों पर रणनीति बनाए, तो कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है खरीदारी या बिकवाली के लिए? जी, तो आई थिंक खरीदारी के लिए दो स्टॉक्स है जहाँ पे जो करंट लेवल्स पे अच्छे लग रहे। एक तो रहेगा नजारा टेक्नोलॉजीज, मिड साइज मिड कैप स्टॉक्स में से, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100-100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया है स्टॉक ने, और आज एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में दिया है। तो ये हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक को खरीदारी करें, 830 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें, 930 के अराउंड के टारगेट्स पोजिशनली स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरा दूसरा पिक रहेगा वो रहेगा फार्मास्यूटिकल स्पेस में से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफेंसिव जा रहा हूँ, क्योंकि जनरली जब मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है तो फार्मा स्टॉक्स में बाइंग बन सकती है। तो ऑरोबिंदो फार्मा पिछले कुछ दिनों के करेक्शन में 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ये स्टॉक ने लिया है। सो ऑरो फार्मा मेरी पिक रहेगी, जो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 1,000 रुपए के स्टॉप लॉस से, 1,080 से 1,100 तक के टारगेट रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। अरविंदो फार्मा में खरीदारी करने की सलाह 1,080 से लेकर 1,100 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 1,000 का स्टॉपस लगाना। और आपने मेरा एक काम आसान कर दिया, नजारा टेक मेरा शेयर शो के शुरुआत में मैंने शेयर के बारे में चर्चा की थी, अच्छी बात है कि मैं इस पर राय लेता हूँ, उससे पहले ही आपने जो इसमें खरीदारी करने की सलाह दी, लक्ष्य बढ़ा दिया, 930 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 830 रुपये का स्टॉपस लगाना होगा। लेकिन फटाफट रुचित, मैं कुछ शेयरों पर आपकी राय चाहूँगा जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। पीटीसी इंडिया का चार्ट देखिए, एक शानदार तेजी देखने को मिली है, शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी देखिए इस साल शेयर में। पीटीसी इंडिया को लेकर क्या राय होगी आपकी? ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, हमने देखा कि जो करेक्शंस भी आए थे वो थोड़े कंसोलिडेशन ही रहे, और उसके बाद आज वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों के एवरेज वॉल्यूम से काफी बेहतर वॉल्यूम्स हुए हैं। तो 205 के अराउंड के लेवल्स ये स्टॉक में नियर टर्म में आ सकते हैं, तो अगर कोई पोजीशन है तो होल्ड करें,
कुछ डिप मिल जाता है। तो आई थिंक आज सुबह अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थे स्टॉक में, जब ये 180 के रेजिस्टेंस ये स्टॉक ने क्रॉस किया था, 178 के प्रीवियस हाई स्टॉक ने क्रॉस किया था। तो अगर वापस कुछ डिप मिलता है 178 180 की रेंज आती है, तो वहां पे स्टॉक में फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, और कोई पोजिशन के पास है उन्हें होल्ड करने की सलाह रहेगी। पोजीशंस को होल्ड के यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 30 सेकंड में जल्दी से बताइए एचबीएल पावर क्या रहा होगी आपकी, इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है आज के ट्रेड में। ये भी ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में, सपोर्ट अब 400 के आसपास बन चुका है, तो कोई भी पोजीशंस है तो 400 के नीचे के स्टॉप लॉस के होल्ड करें। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़े ओवरबॉट सेटअप्स है, तो कुछ डिप्स मिलते हैं तो डिक्लाइंस पे फ्रेश बाइंग करें। तो अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं, लेकिन गिरावट आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड करके चलिए। ऑप्शन के चैंपियन और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के साथ जय पटेल जुड़ चुके हैं। जय नमस्कार, जिस तरीके से बाजार का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, क्या इंडेक्स पे ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करेंगे तो क्या बिकवाली की बात करेंगे या आप स्टॉक्स पे जाएंगे? सो गुड आफ्टरनून, आज मेरी रात बैंक निफ्टी पर होगी, बट आज के कॉल के लिए नहीं, अराउंड 20 दिसंबर की जो डेट है उसके स्ट्राइक प्राइस अराउंड 46,900 के स्ट्राइक प्राइस के बैंक निफ्टी के लिए कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी। यहाँ पर हम देखें तो आज के दिन में रिबाउंड काफी स्ट्रॉन्ग आया, अराउंड 46,900 का लेवल नीचे नहीं गिर पाया और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो मेरी राय में मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में एक अच्छी रैली आ सकती है, वापस से 47,500 तक के लेवल को हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो वहां पर 46,900 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह होगी, अराउंड 486 के जोन पर बाय कर सकते हैं, अराउंड 486 टू 495 के जोन पर। वहां पर टोटल प्रीमियम पे करना होगा अराउंड 7,300 का। टारगेट के तौर पर मुझे लग रहा है 800 के लेवल हमें दिख सकते हैं ये कॉल पर। तो यहाँ से मुझे 67% का अपसाइड दिख रहा है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट 4,700 के अराउंड जोन में होगा। और स्टॉप लॉस के तौर पर 305 का लेवल हम स्टॉप लॉस के लेवल रख सकते हैं, जो यहाँ से 36% का अपसाइड होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे जाए, आपने ये 20 दिसंबर की जो कॉल बोली है 40,900 की, अभी ये 513 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इस भाव पे खरीदना या 486 रुपये पे खरीदना, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। तो थोड़ा एक डीप आने दीजिए, वहां पर हम अराउंड 500 के लेवल पर खरीद सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक डीप अभी भी आएगी आने वाले समय में, सो एक वहां पर खरीद सकते हैं। तो अपसाइड डेफिनेटली एक डीप अभी बाकी है, तो डेफिनेटली वहां से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो स्टॉप लॉस और टारगेट सेम ही रहेगा, बाइंग प्राइस आप ये रेंज में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, गिरावट में खरीद सकते हैं, चाहे 500 के आसपास खरीदिए, निफ्टी बैंक का 46,900 खरीदना है। याद रखिएगा ये 20 दिसंबर का कॉल उन्होंने खरीदने की सलाह दी है, इस आज के कॉल उन्होंने खरीदने की सलाह नहीं दी है। अब कोई भी एफ एन ओ में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो, थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। हमने ऑप्शन की बात की, कैश के शेयर की बात की, अब निवेश की बात करते हैं, मिड कैप के महाथी की बात करते हैं। और हमारे साथ मिडकैप का महत्व शेयर बताने के लिए HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बस समय की थोड़ी कमी है तो जल्दी से बताइए आज कौन सा शेयर बतौर मिडकैप का महत्व आप पसंद कर रहे हैं? तो मार्केट में थोड़ा जो करेक्शन आ रहा है उसमें ऐसे शेयर लेने चाहिए कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में निवेशित रहने पे आपको प्रॉफिट हो। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में थोड़ा जो करेक्शन आ रहा है उसमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मिड कैप फेडरल बैंक, जो है मिड कैप में कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन कर रही है और आगे जाके बेस्ट इन क्लास एक मिड साइज बैंक बनेगी, जिसमें विजिबिलिटी हमें दिख रही है मिड टीयर से टॉप टीयर बैंक जाने की, जिसकी कैपेबिलिटी है, ऐसा हमारा हाई कन्विक्शन बाय है फेडरल बैंक में। 190 का हमारा उसका टारगेट है, 1.6 टाइम एडजस्टेड बुक वैल्यू पे हम उसको वैल्यू करते हैं। तो समय की पाबंदी है इसलिए ज्यादा रैशनल नहीं रहा, फेडरल बैंक हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक है। तो फेडरल बैंक एक शेयर होगा जो पसंद आ रहा है देवस सर को, शुक्रिया सर, 190 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हो। और देवस सर मैं माफ़ी मांगूंगा उसके लिए कि आपको ज़्यादा समय में नहीं दे पाया, और आपने भी जो है कम समय में जो है हमारे निवेशकों के लिए काम का शेयर बताया जिसमें कि आप निवेश करके चल सकते हैं। रुचित, आज ज़्यादा शेयरों पर चर्चा नहीं हो पाई, पर जितनी हुई शानदार हुई, आपका भी शुक्रिया इटनो स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिट का मसाला मास्क के लिए इतना ही, मुझे दिया यार।